हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, हम अपना सेकंड असेसमेंट का लास्ट पार्ट, पार्ट 7 डामन और पीथियस पढ़ चुके हैं। आज हम डामन और पीथियस का व्याकरण भाग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना व्याकरण भाग देखते हैं। बच्चों, डामन और पीथियस का हमारा व्याकरण भाग का पहला प्रश्न है, इन शब्दों को उच्च स्वर में पढ़ो और जो और जो के उच्चारण और लेखन का अंतर समझो। बच्चों, उच्च स्वर होता है ऊंचे स्वर में या ऊंची आवाज में। एक यहाँ पे ज दिया हुआ है, एक यहाँ पे ज। इस ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर आ जाता है। और उच्चारण होता है बोलना, ठीक है। उच्चारण मतलब बोलना, प्रोनाउंसिएशन एंड लेखन मतलब लिखना, लिखने का अंतर समझो, बोलने का और लिखने का अंतर समझो। बच्चों, किसी शब्द, किसी वर्ण के नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे बिना नुक्ते वाले ज की शब्द हम यहाँ पे देखते हैं, ज, जल, जान, जोड़ा, सज्जा, जीवन, राजा। यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया है सजा, इसका मतलब होता है सजावट। और नेक्स्ट है हमारा ज, जैसे कि जरा, सजा, कागज, रोज, आवाज, जोर। बच्चों, इन शब्दों में ज को हम थोड़ा सा जोर दे करके बोलते हैं। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे एक शब्द आया है सजा, इसका मतलब होता है सजा देना या पनिशमेंट। इन शब्दों के अर्थ समझो। बच्चों, यहाँ पे भी कुछ शब्द नुक्ते वाले और बिना नुक्ते वाले दिए हुए हैं, जैसे कि फूल, फूल का अर्थ होता है पुष्प, और एक होता है फूल, फूल ये अंग्रेजी का शब्द है FOOL, तो इसका मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे फन, फन होता है जैसे फन या सांप का फन, और एक होता है फन, कला या कौशल। यहाँ पे ये शब्द फिर से आया है सजा या सजाया हुआ या सजावट। और दूसरा शब्द है सजा, ये क्या होता है, इसका मतलब दंड या पनिशमेंट। राज, राज्य, राज, इसका मतलब होता है रहस्य या भेद या सीक्रेट। ज और फ के नीचे नुक्ता लगने से कुछ शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, पार से अनुस्वार यानी के बिंदी और अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखो। बच्चों, पाठ में कुछ शब्द आए थे जैसे सिंपल बिंदी वाले और अनुनासिक वाले और अनुस्वार वाले, तो हम पहले अनुस्वार वाले शब्द देखते हैं, जैसे अंतिम, आनंद, फंदे। नेक्स्ट है अनुनासिक, अनुनासिक होता है बच्चों चंद्रबिंदु, फांसी, जहां, पहुंच। बच्चों, अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं उनकी आवाज हमारे नाक से होकर ज्यादा आती है। प्रश्न 3, पूर्ण विराम, अल्पविराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, अल्पविराम कोमा या प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ। बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपने, इनको पढ़ के आपने इनमें सही जगह पर पूर्ण विराम, अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बच्चों, पूर्ण विराम तो हम सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं, अल्पविराम में जब कोई दो या दो से अधिक नाम दिए हों, दो या दो से अधिक क्रियाएँ हों, तो वहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा गया हो या क्वेश्चन पूछा गया हो, उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क, अपना अपना काम करो, इसमें अपना अपना की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें बीच में हम डैश दिया हुआ है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें पूर्ण विराम आएगा। अपना अपना काम करो, ना इसमें कोई प्रश्न पूछा है, ना इसमें क्रियाएँ हैं, ना इसमें कोई संज्ञा शब्द दो बार आया है। ख नंबर, मीता, गीता,
और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं। बच्चों, वैसे तो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें संज्ञा शब्द, जैसे मीता नाम है, ये संज्ञा शब्द है, और गीता भी नाम है, इनके बीच में इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। और सीता, यहाँ पे संज्ञा शब्द है, संज्ञा तो तीन आई हैं, जैसे कि मीता, गीता और सीता, लेकिन गीता और सीता के बीच में और दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अल्पविराम की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे अल्पविराम डालेंगे, मीता कोमा गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं। तो सेंटेंस पूरा होने के बाद हम यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। ग नंबर, वह रोज सवेरे उठता, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता। बच्चों, यहाँ पे क्रियाएं दी हुई हैं, जैसे वह रोज सवेरे उठता, पहले क्या क्रिया है, वह सवेरे उठता है, फिर दूध पीता है और पढ़ने बैठ जाता है। दूध पीने और पढ़ने के बीच में और दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अल्पविराम की जरूरत नहीं है। हम पहली क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच में को ये अल्पविराम देंगे। वह रोज सवेरे उठता, एक क्रिया यहाँ पे खत्म हो गई है, तो हम अल्पविराम देंगे। दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे। घ, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया है, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंग नंबर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये बच्चों सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ हम पूर्ण विराम लगाएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। चौ नंबर, कल तुम क्यों नहीं आई? बच्चों, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है कि कल तुम क्यों नहीं आई, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। छः नंबर, मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे। ये सिंपल सेंटेंस है, मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, तो हम इसमें केवल पूर्ण विराम लगाएंगे। ज नंबर, क्या शीला मीरा और मीना पक्की सहेलियां हैं? बच्चों, पहले तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि क्या शीला मीरा, यहाँ पे दो संज्ञाएं दी हुई हैं, शीला और मीरा, इनके बीच में हम अल्पविराम लगाएंगे, और मीना पक्की सहेलियां हैं। मीरा और मीना में और दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अल्पविराम की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों, प्रश्न चार, सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। क नंबर, सज्जा। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके विलोम शब्द पर, सही विलोम शब्द पर हमने गोला लगाना है। यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन हमारे पास है, जो इसमें सही होगा उस पे हमें हमने सर्कल करना है। जैसे कि सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द होता है झूठा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सुंदर बुरा झूठा, तो झूठा में हम सर्कल कर देंगे। ख नंबर, मित्र, मित्र होता है दोस्त, लेकिन इसका ऑपोजिट वर्ड, इसका विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दोस्त तो इसका सेनोनिम हो गया, सेम समान अर्थ वाला शब्द हो गया, तो शत्रु सखी, तो इसका विलोम शब्द होगा, मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु। ग नंबर, स्वीकार, स्वीकार करना किसी चीज को मान लेना, तो बच्चों यहाँ पे स्वीकार का विलोम शब्द होगा मुक्त, निंदा, दोष या अस्वीकार, तो इसका विलोम शब्द होगा अस्वीकार। ग नंबर, बहुत, बहुत का समान अर्थ होता है कई सारे, लेकिन इसका विलोम शब्द होगा कम, अधिक, पास, इसका विलोम शब्द क्या होगा बहुत का? कम। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं बच्चों, जैसे कि मेरा प्रिय मित्र विषय पर लगभग 8 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखो। बच्चों, आप सभी के कोई ना कोई तो प्रिय मित्र अवश्य होंगे, तो आप उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस अपने आप खुद से बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नंबर दो, इस कहानी का नाटक के रूप में मंचन करो। बच्चों, अब 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर इस कहानी को एक नाटकीय रूप देकर इसका नाटक भी बना सकते हो। नंबर तीन, अपने प्रिय मित्र को एक कार्ड बनाकर दो, उसमें लिखो कि तुम उसे क्यों पसंद करते हो।
बच्चों अपने मित्र के लिए आप एक फ्रेंडशिप कार्ड बना सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं। पाठ से आगे, कृष्ण और सुदामा के अतिरिक्त किस किस की मित्रता के किस्से प्रसिद्ध हैं? पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ो बच्चों, आप लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कृष्ण और सुदामा के अलावा किस किस की मित्रता के किस्से प्रसिद्ध हैं। दोस्ती का सम्मान करने के लिए मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। भारत में यह अगस्त के पहले रविवार और दक्षिण अमेरिका में 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसे जॉय सॉल ने शुरू किया था। बच्चों इसी के साथ हमारे असेसमेंट 2 के पार्ट खत्म हुए। अब हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और चित्र वर्णन बाकी है। बच्चों अनुच्छेद लेखन में हम मेरा जन्मदिन अनुच्छेद लिखेंगे और पत्र लेखन में हम लिखेंगे जैसे आप अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ मेले में घूमने गए थे उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। और चित्र वर्णन हमारा टेक्स्ट बुक नंबर 3 पेज नंबर 13 पे एक चित्र दिया हुआ है, उसके बारे में हम कुछ कुछ सेंटेंसेस कुछ वाक्य लिखेंगे।